पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एमपी दौरे से तो पीएम मोदी खजुराहो पहुंच गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंच चुके हैं। यहां हेलीकॉप्टर से बड़तुमा पीएम मोदी पहुंचेंगे। संत रविदास के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सागर दौरा आज प्रदेश का रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का। खजुराहो पहुंच गए हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, अब खजुराहो से हेलीकॉप्टर के जरिए बड़तुमा पहुंचेंगे। वही बड़तुमा जहां संत रविदास के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन किया जाना है, जहां सभी पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। करीब 2 घंटे 10 मिनट का कार्यक्रम सागर का प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है। बड़तुमा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास के मंदिर और स्मारक का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद थाना पहुंचेंगे, यहां पर सभा को संबोधित किया जाएगा। तो संत रविदास के अनुयायियों का प्रदेश का पहला बड़ा समागम सागर में होने जा रहा है। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंच चुके हैं और यही कार्यक्रम उनका बताया गया था। टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम सामने आया था, शेड्यूल उनका, उसी के हिसाब से इस वक्त जानकारी मिल रही है। पहुंच गए हैं खजुराहो, यहां से बड़तुमा वो जाएंगे हेलीकॉप्टर के जरिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, बड़ी जानकारी, खजुराहो पहुंच गए पीएम मोदी? देखिए, खजुराहो पहुंच गए और वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा बड़तुमा आने वाले हैं, जहां पर 2 करोड़ की लागत आने वाले मंदिर का और बहुत इंतजार है। काफी तादाद में यहां लोग, मैं इस वक्त मौके पर ही हूं, काफी तादाद में लोग यहां पहुंचे। थोड़ी देर पहले बड़तुमा में ही कुछ संत पहुंचे थे, उनका सम्मान किया है मुख्यमंत्री की तरफ से। मनोज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खजुराहो पहुंच गए हैं, आज सागर पहुंचेंगे। 11 एकड़ में बनने वाले संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन होगा। 100 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर, 6 महीने पहले इसकी घोषणा सरकार की ओर से की गई थी और 6 महीने के अंदर ही इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 महीनों में 7वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा अपडेट यह है, खजुराहो से वो रवाना हो चुके हैं बड़तुमा के लिए। और ये वो मंदिर है, ये प्रोजेक्ट आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह मंदिर बनने के बाद नजर आएगा। स्मारक भी यहां पर बनाया जाएगा। करीब 12 एकड़ की जमीन पर ये संत रविदास का मंदिर और भव्य स्मारक कला संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला आज रखी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर के दौरे पर है, लेकिन सागर में संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और सागर एक ऐसी विधानसभा है जहां अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन खासकर SC यानी दलित वर्ग हर एक सीट को प्रभावित करता है। मैं एक ऐसे मकरोनिया चौराहे पर हूं जहां अलग अलग विधानसभाएं जुड़ जाती है। यदि आप ये देखिए, लेकिन संत रविदास को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, झंडे पोस्टर बैनर से पटा पड़ा है पूरा स्वागत वंदन अभिनंदन। हर एक विधायक ने अपनी फोटो के साथ ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। इस तरफ आप यदि देखेंगे तो प्रदीप लारिया का फोटो दिख रहा है, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और ऊपर आप देखेंगे तो एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ। ये जो विधानसभा है इसमें अलग अलग क्षेत्र जुड़ते हैं, कुछ क्षेत्र सागर विधानसभा का आता है, कुछ नरियावली विधानसभा का आता है, और कुछ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो रैली भी लगता है सड़क के उस पार। लेकिन आप देखिए, इस तरफ भूपेंद्र सिंह जी के पोस्टर बैनर भी लगे हैं, भूपेंद्र सिंह जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनके पोस्टर को भी देखा जा सकता है। और महत्वपूर्ण ये है कि अंबेडकर की प्रतिमा भी यहाँ लगी है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है इसको, तो मकरोनिया क्षेत्र है। पर पूरा आप चौराहा देखेंगे तो जगह जगह आपको ये समझ आ रहा है कि संत रविदास को लेकर आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरह का मैसेज देना चाहती है। 2018 की हम बात करें तो करीब 17 सीटें 24 में से भारतीय जनता पार्टी को मिली, यानी अच्छी बढ़त ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 23 में और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ें। कुल मिला के 35 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से बात की जाए तो 18 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 17 कांग्रेस के। लेकिन इस बार BJP ये चाहती है कि जो आंकड़ा है वो 2013 की तरह बदल जाए, यानी 28 के लगभग सीटें जब BJP को मिली थी। होगा क्या संत रविदास के आने से,
लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं वो बता रहा है कि आखिर बीजेपी 2023 और 24 को लेकर क्या करने वाली है। नागिन के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, सागर। तो देखिए 11 महीने में सातवां दौरा प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश का होने जा रहा है, लेकिन आज बुंदेलखंड वो पहुंच